तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 2023 की न्यूली लॉन्च ओजोटेक ईवी कंपनी की भीम। ये छोटा भीम नहीं है भाई, ये 515 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज होने में, जो कि एमयूवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आप देख सकते हैं, जिसमें क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, माइलेज कितनी मिलती है, रेंज आपको क्या क्या मिल जाती है, कितने साल की वारंटी आपको मिलती है, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। डिजाइन के बारे में बात करूँ तो भाई काफ़ी लॉन्ग इसका व्हील बेस दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा लेग स्पेस एरिया मिल जाता है जिसमें बहुत सारा सामान आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप दूध का काम करते हैं या फिर आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जितने भी मतलब कि सामान ढोने के जितने भी काम होते हैं उनको आप इस मोपेड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के द्वारा आसानी से कर पाएंगे। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो फीचर्स है वो है इसकी पावरफुल बैटरी। सबसे पहले हम भाई प्राइस की बात कर लेते हैं और रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे बैटरी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 10 किलोवाट की बैटरी का पैक अगर आप इसमें लेते हैं तो वहां पर आपको 515 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 2 लाख से नीचे में रहने वाली है। अगर आप इसमें 4 किलोवाट का बैटरी पैक लेते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 1 लाख रुपये से नीचे देने पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप इसमें 1.7 किलोवाट का बैटरी पैक लेते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। लेग स्पेस एरिया आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, इतना चौड़ा है कि यहाँ पर आप पानी की जो डिस्पेंसर वाली बोतल होती है या फिर आप सिलेंडर रख सकते हैं, जो बोरी होती हैं जिसमें सामान वगैरह आता है वो भी आसानी से यहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल पर्स वगैरह आसानी से कैरी कर सकते हैं। और जो चार्जिंग का जो पिन है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो 4.5 घंटे में लगभग 4.5 घंटे में ये पूरी की पूरी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, अभी तक के जितने भी हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर देखे हैं वहाँ पर हमको लो बिल्ड क्वालिटी का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पहली बार मैं ओजोटेक ईवी का जो है वो भीम प्रोडक्ट देख रहा हूँ, और कसम से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो चेसिस की हो या फिर इनके पैनल की हो, वो काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छे मेटल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और ये जो स्टील ट्यूबुलर ट्रेलिस फ्रेम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये आप साउंड भी सुन सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका जो मेटल है वो कितने अव्वल दर्जे का इसमें यूज किया गया है। फ्रंट की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन वाली गोल हेडलाइट आपको मिल जाती है, जिसमें हेलोजन का बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। LED वाले यहाँ पर आपको छोटे छोटे विंकर्स आपको मिल जाते हैं, हालांकि हैजार्ड वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अगला जो मडगार्ड आप देख रहे हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का मिल जाता है, जो कि भाई मोड़ने से भी मुड़ नहीं रहा है। टायर की अगर मैं बात करूँ तो 2/50/16 प्रोफाइल का ट्यूब वाला टायर आपको मिलता है। इसमें आपको स्पॉक व्हील मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसको जो है वो सामान ढोने के काम से यूज किया जाएगा। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा कम्फर्ट आपको मिल जाएगा। मैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात करूं, सेफ्टी की बात करूं, तो आगे में 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिलती है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, मतलब कि दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। जो बैटरी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का पार्ट है, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का केस आप देख रहे हैं, इसी के अंदर में इसकी लिथियम आयन की बैटरी को प्लेस किया गया है। ये बैटरी IP67 रेटेड है, जिसमें पानी जाने के कोई भी चांस नहीं बनते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, आपसे ख़राब रास्ता में भी चला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके जो फुटपैक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर जगह मिल जाती है, अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी डिमांड हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको चेन ड्राइव वाला सिस्टम आपको मिल जाता है। इसकी वजह से होता यह है कि जो बेल्ट ड्राइव वाला जो सिस्टम होता है वहाँ पर आपको थोड़ी सी जो पावर है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाती है, तो चेन की वजह से जो पावर है वो मोटर के द्वारा आपको चेन स्पॉकेट सेट में पीछे वाले व्हील में आपको काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाती है। और मोटर के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर जो मोटर आप देख रहे हैं ये के रियर में आपको ट्विन हाइड्रोलिक मल्टी स्टेप एडजस्टेबल पीछे वाले सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, जिसको आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। मोटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मोटर है वो आपको IP67 रेटेड वाली, यहां पर आपको 3 किलोवाट की, 3 किलोवाट की, 48 वोल्ट की, 48 वोल्ट की यहां पर आपको मिड ड्राइव मोटर आपको मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी पीछे की साइड में प्लेस की गई है। ये जो फिनिशिंग वगैरह है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। पीछे में 110 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है, तो दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं, और ये जो
स्विंग आर्म आप देख रहे हैं, ये भी आपको पाइप वाला मिल जाता है। हालांकि जो मेटल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और 2/50/16 का पीछे में आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है, पीछे में 16 इंच का स्पॉक दिया गया है। पिछले वाली जो टेल लाइट है वो आपको स्प्लेंडर वाली दी गई है, सेम की सेम। और यहाँ पर LED वाले विंकर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें सिलेंडर वगैरह लादने हैं, या फिर आपको दूध का काम करना है, या फिर आपको फेरी का, जो भी आपके काम होते हैं मार्केट में, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, तो मीटर यहाँ पर आपको फुल एनालॉग में दिया गया। ये वही वाला मीटर है जो XL 100 में आपने मोस्टली देखा होगा। और यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है, और ये जो स्पीडोमीटर है वो आगे वाले व्हील से कनेक्टेड है, जैसा कि मीटर गिरारी वाला सेटअप है। यहाँ पर वार्निंग अलर्ट की लाइट है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी आपको मिल जाता है। हैंडल वार है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊँची मिलती है, तो इसको चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राइडिंग कंफर्ट आपको एकदम रिलैक्स वाला मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पार्किंग का बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपको 3 मोड मिल जाते हैं, इको और नॉर्मल और स्पोर्ट्स। 3 मोड आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3 जिसको आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर रिवर्स वाला भी फीचर्स दिया गया है, और ये फ्रंट में मतलब कि आगे की तरफ चली जाती है, और यहाँ से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाकी ये है इसकी पीछे वाली ब्रेक का लीवर, और यहाँ पर आपको अपर डिपर, और यहाँ पर मेन हेडलाइट को ऑन ऑफ़ करने का बटन मिल जाता है। ये इसका इंडिकेटर का बटन, यहाँ पर हॉर्न बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, वारंटी के बारे में, और इसकी रेंज के बारे में। तो 10 किलोवाट की बैटरी का पैक अगर आप इसमें लेते हैं, तो वहाँ पर 515 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको इस भीम MUV मोपेड को लेने के लिए लगभग आपको 2 लाख रुपये से नीचे में देने पड़ते हैं। अगर आप इसमें 4 किलोवाट का बैटरी पैक लेते हैं, तो वहाँ पर आपको लगभग 1 लाख रुपये से नीचे में पे करने पड़ते हैं। अगर आप इसमें 1.7 किलोवाट का बैटरी पैक लेते हैं, डलवा कर लेते हैं अलग से, जो कि ऑप्शनल है, तो वहाँ पर आपको लगभग 60,000 के आसपास पे करने पड़ेंगे। आपको 7 साल की वारंटी मिल जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वारंटी आपको ये ओजो टेक कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। कोई भी आपको 7 साल की वारंटी नहीं देता है भाई।